देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में किस समय उठना माना गया है सबसे उत्तम? देखिए, ऐसे साधकों का कहना है कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं, लेकिन उनका समय निश्चित नहीं है। कभी वे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठते हैं तो कभी 5 बजे उठ जाते हैं, कभी उससे भी शीघ्र उठते हैं तो कभी उठते ही नहीं है, काफ़ी लेट उठते हैं। अब जाने आप, मैं कुछ आपको इसमें गुप्त साधना का समय भी बताऊंगा। ब्रह्म इस समय अगर आप कुछ साधना करते हैं तो निश्चित रूप से वह सफल मानी जाएगी आपकी। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिरकार एक साधक को ब्रह्म मुहूर्त में किस समय उठना चाहिए। उसे 3 बजे उठना चाहिए, प्रातःकाल 4 बजे उठना चाहिए, या फिर 5 बजे उठना चाहिए? ये 3 समय हैं जिसमें से निश्चित नहीं कर पाते काफ़ी साधक। अब देखिए, थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके मन में जो उलझन है वो उसको सुलझा सकूं मैं। जाने सर्वप्रथम कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में एक 3 बजे का समय होता है। देखिए, समय तीन, ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें 3 बजे का जो समय होता है वो उत्तम बताया गया, उत्तम। 4 बजे का भी उत्तम है और 5 बजे का भी उत्तम है, लेकिन सब अति उत्तम बताया गया 3 बजे। क्यों? क्योंकि 3 बजे किसी भी प्रकार का शोर कुल नहीं होता है। वैसे तो 4 बजे भी नहीं होता, 5 बजे भी नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा कि 5 बजे क्या होता है कि काफ़ी लोग धीरे धीरे करके उठना शुरू हो जाते हैं, मुर्गा अपनी बांग भी देने लग जाता है उस समय, तो थोड़ी हलचल होने लग जाती। लेकिन बिल्कुल गुप्त रूप से रखा जाए तो ये 3 बजे का जो समय है, इस समय बहुत उत्तम बताया गया है। अब देखिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नए साधक जुड़े हुए हैं, वे अक्सर इस चीज़ को ध्यान दें कि 3 बजे उठना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल सरल बात है। ये उस व्यक्ति की अनुकूलता पर डिपेंड करता है कि वे उठ सकता है या नहीं उठ सकता है, उसकी दिनचर्या का ये एक हिस्सा बनाना वे चाहता है कि आप प्रत्येक इस समय उठें। तो ये आपको स्वयं को संभव करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अब वे कैसे, जैसे कि आप सोचिए, आपने अपनी एक दिनचर्या ऐसी बना रखी है, आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाके आते हैं और थके हारा हो जाते हो, फिर इस समय उठे तो आपसे संभव नहीं हो पाएगा कि आप इस समय उठ सके। आप हाँ, प्रातःकाल 5 बजे 5:30 बजे इस समय उठ सकते हैं, लेकिन इस समय उठना, क्योंकि आपकी नींद की भरपाई पूर्ण रूप से हो नहीं पाएगी इस समय। ऐसे लोग जो समय पर सो जाते हैं, बिल्कुल समय पर, टाइम पे, कम से कम आपको 3-6 घंटे की नींद लेना आवश्यक ही है, मान के चलिए हाल फिलहाल कि आपको 6 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। उसके उपरांत अगर आप, जैसे कि 9 बजे एक साधक सो जाता है, उससे पूर्व भी आपको देखिए केवल 6 घंटे के अंतराल में व्यस्त कौन साधक है जिसकी नींद की भरपाई 6 घंटे में हो जाएगी एकदम अच्छे तरह से? वह उसी साधक की होगी जिसको, जिसका खाने पर यानी आहार पर नियंत्रण हो और उसकी दिनचर्या बिल्कुल अच्छी हो। ब्रह्म मुहूर्त में ही बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखे इस चीज़ को, आवश्यक रूप से सुने सब। देखिए, अगर आप अपने जीवन पर नियंत्रण लाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, शुद्ध आहार ले, कम मात्रा में आहार ले रात के समय। अगर कोई साधक 9 बजे सो जाता है तो मान के चलिए वे 3 बजे आराम से उठ सकता है, बिल्कुल आराम से उठ सकता है। अब इसके अलावा 3 बजे का समय बहुत अति उत्तम बताया गया, काफी कम साधक होते हैं जो इस समय उठते हैं। अब दूसरा समय है 4 बजे, 4 बजे बहुत अच्छा समय है, काफ़ी साधक यानी आप मान के चलिए 70% साधक इसी समय उठते हैं और इस समय उठकर वे साधना करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनके अनुकूल है उठना, वे उठ जाते इस समय। इस समय उठना उनके लिए यानी किसी प्रकार का कोई यत्न नहीं करना पड़ता, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लेकिन 3 बजे उठने के लिए थोड़ा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, शारीरिक रूप से ढलने में थोड़ा समय लगता है 3 बजे, लेकिन 4 बजे सहज रूप से उठ सकते हैं, तो 5 बजे भी ये कसम।
अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये गुप्त साधना का समय क्या है। गुप्त साधना अगर कुछ करना चाहता है, देखिए साधना इस समय की जा सकती है, नाम जप किया जा सकता है, प्रभु का सुमरण किया जा सकता है, बहुत ही अच्छे तरह से किया जा सकता है इस समय। लेकिन एक समय है जो मानव की साधना के लिए बहुत उत्तम बताया गया, अब वो है आप मानते चलिए अगर आप निद्रा के होश में नहीं है, नींद का आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई वशीकरण नहीं है, तो मान के चलिए आप किसी दिन भी एक दिन प्रैक्टिकल एक दिन केवल ये चीज करके देखें, आप एक दिन ऐसा निकालें कि आप रात के समय बहुत ही हल्का भोजन लें, बिल्कुल हल्का भोजन। वे भोजन ऐसा होना चाहिए कि आपके एक या दो घंटे के अंतराल में उसका डाइजेशन हो जाए और अच्छी नींद ले आप दो तीन घंटे की। आप 2 बजे उठें या 2:30 बजे उठ जाएं, 2 या 2:30 बजे उठें, उठने के पश्चात एक दिन करना है प्रैक्टिकल रूप से, आप नहा धो के स्वच्छ हो के प्रक्रिया वैसी करनी जैसा आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, नहा धो के स्वच्छ हो के, और आप अपना आसन लगाए, अगर आप दीपक करते हैं दीपक करें और आप अपनी साधना में बैठे, वो समय आपकी साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके भीतर विचार शून्य है, परमात्मा का भाव बहुत शुद्ध होता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ने का भरसक प्रयत्न करेगी, बहुत ही भरसक प्रयत्न करती है, अनुकूल स्थिति होती है, मन में विचार नहीं है, यानी विचार नहीं है इसका मतलब ये समझे कि स्पीड ब्रेकर नहीं है उस मार्ग में, स्पीड ब्रेकर यही है जो विचार है इनका अभाव, अगर अभाव हो जाता है तो बहुत उत्तम है, ये जितने कम होंगे एकाग्रता में तो बहुत उत्तम माना गया है। उस समय आप मेडिटेशन करें, आपको स्वतः इस चीज का अनुभव होने लगेगा, 101% में बता रहा हूँ इस चीज के बारे में कि आपका अनुभव 80-90% इस परिस्थिति में इतना गजब का होने वाला है, आप इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे, हमेशा के लिए, कि मेडिटेशन की एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा भी समय है जिस समय साधक उठकर ध्यान करता है अच्छी तरह से, तो वे अनुभव हमेशा के लिए उसके मस्तिष्क में सटीक रूप से याद रहने वाला है, वे कभी उस चीज को नहीं भुला पाएगा, और आपको ऐसा लगने लगेगा कि परमात्मा को पाना अब इतना भी कठिन नहीं है, किसी न किसी रूप से देखा जाए तो सरल लगने लगता है, लेकिन ये सरल वैसे नहीं है जा, क्योंकि ये अभ्यास पर है, एक दिन से आपको ऐसा लगने लगे तो समझे आप इसको 100 दिन करते हैं, 200 दिन करने लग जाते हैं, तो उस साधक का आत्मविश्वास कितना अधिक हो जाएगा, किस पर्वत के समान उसका हो जाएगा, ये चीज का अनुभव करें। अब 3 समय उत्तम है, 3 बजे 4 बजे और 5 बजे। 5 बजे का समय वे साधक है, अक्सर आप 5 बजे उठ जाए, अगर 5 बजे हो सके तो उठे उस समय, काफी कठोर लग रहा आपको नहीं यहाँ 4 बजे भी आप उठ नहीं पा रहे, तो 5 बजे आवश्यक रूप से आपको उठना ही है, 5 बजे उसके बाद नहीं, उसके पश्चात 5 बजे बिल्कुल नियंत्रण पाके उठे। साथ ही सभी साधक नियंत्रण अपने आप पर नियंत्रण करके उठे, आदत ऐसी रखनी है आपको कि जो भी साधक मुझे सुन रहा है, देखिए जो भी साधक मुझे सुन रहा है कि आदत ऐसी बनानी है कि कम से कम ये आदत ऐसी हो जानी चाहिए कि आपके सामने से 5 बजे आपका अलार्म भी बज जाता उसके पश्चात आपको नींद नहीं आनी चाहिए, फिर आपको बिस्तर त्यागने ही है आप कुछ भी करके, इस प्रकार की आदत हो जानी पड़ेगी, भले आप आंखें खुली हो मगर आपको त्यागने ही पड़ेंगे। 4 बजे भी आप उठ सकते हैं, बहुत अच्छा, अगर साधना करते हैं मेडिटेशन नाम सुमरण करते हैं, बहुत अति उत्तम बताया गया है इस समय साधना करना, नाम जप करना, प्रभु सुमरण करना, कीर्तन करना, काफी शैलियां हैं धार्मिक साधनाएं करने की, वे अपना सकते हैं आप, जो आपको बहुत उत्तम लगती बहुत अच्छी लगती उन चीजों को पकड़े और आप शुरुआत कर दे उस चीज की इस समय।
आज सोच नहीं सकते हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जो चीज़ आपके हृदय में है, वे चीज़, वे मनोकामना हर परमात्मा तक, उस भगवान तक बहुत शीघ्र पहुँच जाएगी, बहुत ही शीघ्र, इतनी शीघ्र पहुँचेगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत लाभदायक बताया गया है। 3 बजे 4 बजे 5 बजे तीन अंतराल है। 3 बजे वे उठे जिनके मन में बहुत ही अधिक साहस, विश्वास बहुत है भगवान के प्रति कि नहीं मैं इस समय उठ सकता हूँ, आप अपने शरीर को कष्ट देने के लिए तैयार है तो हाँ आप जरूर उठें उस समय और साधना कीजिए, 1 घंटे की जगह 2-3 घंटे करें। और 4 बजे वे उठें जिनको लग रहा है कि नहीं हाँ आप कर सकते, इस समय आराम से शुरुआत करें, 4 बजे उठकर शुरू करें इस चीज़ को, घंटा 1.5 घंटा आपसे जितना भी हो उतने समय बैठे, अनुकूल स्थिति में बैठे। और 5 बजे तो अनिवार्य रूप से, बिल्कुल इसके पश्चात नहीं, इसके बाद नहीं कि 5:30 बजे उठना है, नहीं 5 बजे लास्ट है, इसके पश्चात नहीं, 5 बजे तक तो उठना ही है कैसे भी करके। इसलिए ये बहुत समय इम्पोर्टेंट बताया गया है मानव साधना के लिए, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को इस प्रवृत्ति में डाला क्यों है, पशु निद्रा नहीं लेनी आप, मनुष्य जीवन जीना है, इस चीज को धारण करके रखिए। परमात्मा ने इस जगत में आपको भेजा है तो मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य की तरह व्यवहार करने के लिए, इसलिए जाने इसकी जो समय सीमा है, अनमोल समय सीमा है मनुष्य जीवन की भी, आप इसको बिल्कुल हल्के में कभी ना ले कि आप थोड़ा दौड़ भाग कर लेंगे, थोड़ा जिम में जाके मेहनत कर लेंगे तो आप 100 वर्ष जी जाएंगे, इसकी धारणा कभी मस्तिष्क में ना ठहराए, बुद्धि में ये ब्रह्म बिल्कुल ना पाले, क्योंकि समय सीमा बहुत न्यूनतम है, ये मान के बिल्कुल कम समय है, मुट्ठी भर मात्र है। इस प्रकार के सोचकर अपनी जीवन शैली बनाए और जितना समय हो उस परमात्मा के नाम में दे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए हमारे चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।